Click the subscribe button to connect with us and press the bell icon to get latest update. आप देख रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने हेतु जिला अधिकारी द्वारा पोषण बैंक स्थापित किया गया। पोषण बैंकों के माध्यम से दाल, चना, गुड़, बिस्किट का पैकेट बनाकर कुपोषित गर्भवती महिलाओं व जरूरतमंद लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अब तक पोषण बैंक द्वारा 4000 लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है। इससे प्रभावित होकर अमेरिका के फ्लोरिडा की NRI सरफुद्दीन आजमगढ़ की मूल निवासी श्रेया चंद्रा द्वारा जिला अधिकारी को पोषण बैंक में जरूरतमंदों की सहायता के लिए 51,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। देश के कर्मवीरों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस के कर्मचारी लोग हैं, जो कि अपनी जान पर खेलकर हमारे देश को बचाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए मैं आज अपने परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ, क्योंकि हमारे DM साहब NP सिंह ने एक पौष्टिक बैंक बनाने का उच्च विचार किया है, जिसमें वो प्रेग्नेंट वुमेन जो कि जिन्हें आयरन की कमी होती है, जिन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उनके लिए वो चावल और दाल और गुड़ की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो उसी के लिए आज मैं यहाँ पर एक छोटी सी मदद करने के लिए आई हूँ। और मेरी ये सबसे गुजारिश है कि जो ये 3 मई तक का लॉकडाउन है, उसका नियमित रूप से आप सब लोग पालन करें, अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इसी से हम कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आलोक कुमार, ब्यूरो चीफ, PTNI न्यूज़, आजमगढ़।